हेलो एवरीवन, आई एम एसबी सिंह अगेन। और आज का ये वीडियो जो आप देखने वाले हैं, निश्चित तौर पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में फ्रेंच रेवोल्यूशन के पॉलिटिकल कॉज और जो भी वहां पर रिफॉर्मर या फिलोसोफर हुए हैं उनके रोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि इसके पहले हमने जो वीडियो देखा उसमें हमने इकोनॉमिकल कॉज की बात की थी, उसमें हमने कुछ सोशल कॉज की बात की थी, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है पॉलिटिकल। और उसके बाद एक कॉज जिसकी बात मैं कर रहा था वो है इंटेलेक्चुअल कॉज, जिसको हम रोल ऑफ फिलोसोफर और रोल ऑफ रिफॉर्मर से भी जोड़ सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही दोनों पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। Political causes of the French Revolution. What political causes of the French Revolution? Right? तो अभी तक हमने जो डिस्कस किए थे उसमें हमने इकोनॉमिकल कॉज को डिस्कस किया था और इसके अलावा हमने सोशल कॉज को डिस्कस किया था, लेकिन अब जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वो है आपका पॉलिटिकल। अगर हम पॉलिटिकल कॉजेज की बात करें तो सबसे पहला जो कॉज आपका आता है दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी रूलर्स। अब आप सबसे पहले तो मींस समझ लीजिए, ये आर्बिट्री का मींस क्या है। आर्बिट्री मींस होता है जो स्वेच्छा से करे। स्वेच्छा मतलब एक तरह से कह सकते हैं मनमाना शासन। इट मींस जो वहाँ के राजा होते थे, जो वहाँ के किंग होते थे, आपने सुना है लुई 16, तो डेफिनेटली उसके पास पूरी तरह से अपने हिसाब से चलने का पावर था। टैक्सेस लगाने हैं तो वो अपने हिसाब से लगा सकता था। और सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो किंग होते थे वो थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप, ये देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप। इसका मतलब कि जो वहाँ के राजा होते थे वो ये मानते थे कि हमें डिवाइन पावर मिली हुई है, हमें गॉड ने यहाँ पर रूल करने के लिए भेजा है। कि राजा जो था वो अपने आप को डिवाइन पावर मानता था, और इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको कि वो थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप पर काम करता था। इसका मतलब कि वो सिर्फ यहाँ पर रूल करेगा और कोई काम नहीं, बाकी सारे काम उसके असिस्टेंट करेंगे, बाकी सारे उसके जो कोर्टियर्स होते थे वो करेंगे। और सबसे बड़ी चीज, उनके कोर्टियर्स जो होते थे या कह सकते हो आप जो दरबारी होते थे, उनको उसने ब्लैंक बट साइंड राइट कॉपी दे रखी थी। किसकी? अरेस्ट वारंट, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि किसी को भी अरेस्ट करना हो तो आप उसको लेकर के पहुंच जाइए, उसमें उसका नाम लिखिए और उस पर्सन को अरेस्ट करके जेल में डाल दीजिए। तो इट मींस दैट वाज नोन एज आर्बिट्री रूलर्स। राइट, नाउ हम मूव करते हैं दूसरे रीजन की तरफ। और दूसरा रीजन है आप कह सकते हैं करप्शन। राइट, अब आप सोचेंगे कि सर उस समय भी करप्शन होता था? तो बिल्कुल होता था। कैसे होता था? शायद मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि टैक्स कलेक्शन के लिए वहाँ पर बड़े बड़े लैंड ओनर्स या जो वहाँ पर फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स मीन्स जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी, उनका रुतबा होता था सोसाइटी में, किंग के बहुत क्लोज होते थे, तो फ्यूडल लॉर्ड्स जो होते थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे। टैक्स कलेक्शन में जो सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करके देगा उसको नो डाउट राजा क्या अपना थोड़ा सा कहीं ना कहीं पावर या थोड़ी सी कहीं ना कहीं सिंपैथी उसको देता था। राइट, इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते थे उनका जब ऑक्शन होता था, क्या होता था? ऑक्शन। गवर्नमेंट ऑफिसेज का जो ऑक्शन होता था वो सबसे ज्यादा जो बिड लगाता था, ऑक्शन टू द हाईएस्ट बिडर्स। हाईएस्ट बिडर्स का मतलब क्या हो गया कि जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई उसको वो गवर्नमेंट ऑफिस मिल गया और उसने वहां पर पैसे कमाने शुरू कर दिए। राइट, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट रीजन की बात करते हैं पॉलिटिकल में, तो वो था आपका सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। किसकी बात की हमने? सेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन का क्या मींस है यहाँ पर? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इट मींस पावर जो थी वो किसके हाथ में थी? राजा के हाथ में थी। सबको पता है कि लुई 16 वहां का राजा था और सारी की सारी पावर उसने अपने हाथ में रखी थी। राइट, सो लुई 16 अपनी सारी की सारी पावर का वो यूज करता था, इस्तेमाल करता था। और वही वाली बात हो गई कि टैक्स को लगाना है, कितना लगाना है, किसको पनिशमेंट देनी है, ये सब किसके हाथ में था? राजा के हाथ में था। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रीजन था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉजेस की तरफ, और वो था आपका नो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, सिस्टम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अब लॉ एंड ऑर्डर आप जानते हैं, कानून। तो
कानून का कोई सिस्टम था ही नहीं। कहते ना कि रिच के लिए अलग कानून बनते थे और पुअर्स के लिए अलग कानून बनते थे। सरप्राइजिंगली आपको एक बात बता रहा हूँ कि शायद उस समय आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन 400 लॉज वर देयर दैट टाइम। अब आप बिलीव कर सकते हैं कि 400 नियम, और उसमें भी रिच के लिए अलग और पुअर्स के लिए अलग। तो अब आप समझ लीजिए कि जो यूनिफॉर्मिटी है वो कहाँ से आपको दिख रही है, कहीं नहीं दिख रही, क्योंकि 400 लॉ बने हुए हैं, 400 जो लॉ बने हुए हैं वो रिच को और पुअर को एकदम से सेपरेट कर रहे हैं, राइट? तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था पॉलिटिकल सिनेरियो का। आइए चलते हैं अगले रीजन की तरफ, और वो है आपका डिसकंटेंटमेंट इन द आर्मी। अब पहले तो इसका मतलब समझ लीजिए, और वो क्या है। डिसकंटेंटमेंट मीन्स होता है असंतोष। इसका मतलब ये है कि आर्मी में जो लोग काम कर रहे थे वो भी राजा से पूरी तरह खुश नहीं थे। इवन वो राजा की आर्मी थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आर्मी के लोगों को उसने इतनी फैसिलिटीज नहीं दे रखी थी, चाहे वो ऑर्डिनरी सोल्जर्स हों या बाकी कोई प्रमोशन वाली बात हो या कभी कुछ उनके सैलरी या और फाइनेंशियल बेनिफिट की बात हो, तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा ध्यान राजा नहीं देता था। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन निकल करके आया पॉलिटिकल कॉज का। इसके अलावा नेक्स्ट रीजन की अगर बात की जाए तो वो है द कैरेक्टर ऑफ लुई 16। अब कैरेक्टर इट मीन्स हाउ ही वॉज लिविंग दैट टाइम। वो क्या करता था, उसको बहुत जल्दी गद्दी मिल रही। 1774 में सिर्फ 20 ईयर्स का था और उसको राजगद्दी में बैठा दिया गया। शादी भी कर दी गई बेचारे की, क्वीन मैरी एंटोनिएट ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस, उसकी शादी कर दी गई। एक्चुअली अगर लुई 16 की बात की जाए तो ये एक बहुत वीक रूलर कहा जाता है। वीक रूलर एंड नो फोरसाइट। इट मींस आप ये कह सकते हैं कि वो भविष्य को लेकर के किसी भी तरीके की कोई भी प्लानिंग उसके पास नहीं थी कि आगे करना क्या है। उसको जो किसी ने कह दिया, स्पेशली उसकी रानी ने, क्वीन मैरी एंटोनिएट ने अगर उसको कह दिया कि नहीं ये करना है, देन ही इज नॉट एबल टू थिंक अबाउट दैट। उसको कुछ सोचना समझना नहीं है और करना है। और सबसे बड़ी चीज, लग्जरियस लाइफ जीनी ही है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना है। जो हो रहा है, जो कोई उसको करके दिखा रहा है, वो उसके लिए बहुत है। तो एक तरह से कह सकते ना कि उसमें कहीं ना कहीं जो एक राजा वाले गुण होते हैं, जो राजा की क्वालिटी होनी चाहिए थी, वो कहीं नजर नहीं आई। तो ये पॉलिटिकल वे में अगर मैं बात करूं तो एक राजा के इस तरह की एक्टिविटीज कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की तरफ इशारा करते हैं, और वो पॉलिटिकल वे में कहीं ना कहीं उस कंट्री के लिए या उस रीजन के लिए फायदे वाली बात नहीं है। ओके, अब अगर हमने राजा की बात की है तो इसके साथ में हम रानी की भी बात कर लेते हैं, क्वीन मैरी एंटोनिएट, राइट? अब क्वीन मैरी एंटोनिएट की अगर मैंने बात की है, वो आप इसी कैरेक्टर बेस में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो रानी थी, ब्यूटीफुल होने के साथ साथ लग्जरी लविंग वुमेन, इसका मतलब उसको विलासिता से रहना पसंद था, उसको बहुत अच्छे से रहना पसंद था, फैसिलिटीज होनी चाहिए सारी। और इसके अलावा उसने कभी राजा को अच्छी एडवाइस दी ही नहीं। एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक कह सकते हैं रानी का, कि वो राजा को अच्छी एडवाइस नहीं देती थी। और इसके अलावा उसका एक नेचर कहें, स्पेंड थ्रिप्ट का मतलब होता है फिजूल खर्ची। कहते ना कि वो जबरदस्ती के खर्च कराया करती थी। तो एक तरह से अभी हमने जो कैरेक्टर ऑफ किंग एंड कैरेक्टर ऑफ क्वीन जो पढ़े, वो निश्चित है एक अच्छे राजा या अच्छे रानी की निशानी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों ने ही कहीं ना कहीं जो कहते ना कि पॉलिटिक्स के जो काम होते हैं, एक पॉलिटिकल काम होते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं, उन पे तो कोई फोकस किया ही नहीं। सिर्फ फोकस उनका कहाँ था, लग्जरियस लाइफ। तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ड्रॉबैक कहा जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। अच्छा, इसके अलावा हम लास्ट पॉइंट बात करते हैं इसकी, और वो है आपका नंबर 7, एंड दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस, राइट? अब ये एक्स्ट्रावेगेंस, इसको मैंने पहले भी अपने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, और इसका मतलब वही है कि आप अनाप शनाप खर्चे करें। क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि जो महल राजा या रानी अपने रहने के लिए यूज करते थे, आपको बता दें वो जो वर्साइल का पैलेस था, वो एक बहुत बड़ा पैलेस और बहुत आलीशान बना हुआ था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि शायद जो मेरी इंफॉर्मेशन जो मुझे मिली हुई है उसके हिसाब से अराउंड 10 करोड़ ऑफ रुपीज वर स्पेंट इन दिस बिल्डिंग। 10 करोड़, अब आप बिलीव करिए कि उस टाइम पर इतने सारे पैसे सिर्फ बिल्डिंग के मेंटेनेंस पे खर्च किए जाते थे। और दूसरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, अराउंड 18,000 पीपल
live in this palace. How much? 18,000 people उस पैलेस में रहते थे और उसका जो एनुअल एक्सपेंसेस था वो भी बहुत बड़ा था, नो डाउट। तो कह सकते हैं कि जो राजा थे वहाँ के, आप चाहे लुईस 15 की बात करें, चाहे लुईस 16 की बात करें या लुई 14 की बात करें, सबके सब राजा जो थे वो कुछ ना कुछ फिजूल खर्ची या कह सकते हो ना कि बिना किसी प्लान के खर्च करते थे, राइट? सो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनसे ये क्लियर हो जाता है कि फ्रांस की पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत स्टेबल नहीं थी उस समय। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पॉलिटिकल सेक्शन की बात की, पॉलिटिकल कॉजेज की बात की, तो आइए बात करते हैं कि जो रिफॉर्मर्स हुए हैं, जैसे कि आपने सुना होगा वोल्टेयर के बारे में, रूसो के बारे में, मोंटेस्क्यू के बारे में, तो आज हम इनके रोल की बात करेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में इनका रोल क्या था। सोशल कॉज को ले लेते हैं या फिर इकोनॉमिकल कॉज को लेते हैं, लेकिन अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की जाए तो इसमें एक बहुत बड़ा कॉज निकल करके आता है, एंड दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल कॉज। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंटेलेक्चुअल का मीनिंग क्या होता है। इसको हम कहते हैं बौद्धिक। बौद्धिक इसका मतलब कहीं ना कहीं इन सारे रीजंस के लिए किसी ने अपना माइंड लगाया, किसी ने उसके बारे में सोचा। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जो 18th century थी, 18th century इज नोन एज सेंचुरी ऑफ क्रिटिसिज्म, राइट? दैट इज सेंचुरी ऑफ क्रिटिसिज्म कहा जाता है इसको। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो लोग वहां पर हुए, कुछ स्कॉलर्स हुए, कुछ पढ़े लिखे हुए लोग हुए, उन्होंने इन जितने भी पॉलिटिकल सिनेरियो थे उसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज का मतलब यहाँ पर उनको आलोचना की उसकी। तो 18th century को क्या कहा जाता है? सेंचुरी ऑफ क्रिटिसिज्म कहा जाता है, और इसी से हम रिलेट करते हैं इस इंटेलेक्चुअल कॉजेज को। अब इंटेलेक्चुअल कॉजेज में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फिलोसफर्स की, राइट? क्योंकि देखिए, बुद्धि लगाना नॉर्मल आदमी का काम नहीं हो सकता, निश्चित। उसके लिए आपको बहुत कुछ थिंकिंग पावर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी एक कहते हैं कि आपका जो मनोविज्ञान होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फिलोसफर्स थे उनकी थिंकिंग क्या थी, उन्होंने फ्रांस की सोसाइटी को, फ्रेंच सिटीजन्स को कैसे मोटिवेट किया या कैसे कोशिश करके राजा के अगेंस्ट लेकर के आए। तो इन हम फिलोसफर की बात एक एक करके करेंगे, और उनमें सबसे पहले जो नाम आता है और वो आता है मोंटेस्क्यू। ओके, मोंटेस्क्यू की अगर हम बात करते हैं तो 1689 से लेकर के 1755, ये उनका टाइम पीरियड है। अगर हमने बात की है मोंटेस्क्यू की, तो सबसे पहले बहुत फेमस और ग्रेट फिलोसोफर थे वो, और उन्होंने जो एक सबसे बड़ा फोकस पॉइंट इन द सेंस जिस बात पर जोर दिया, वो क्या थे? वो थी अपोज्ड टू द डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंगशिप। वैसे भी अभी हमने बात की है इस थ्योरी की, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि राजा अपने आप को डिवाइन पावर मानता था, कि मुझे भगवान ने भेजा है यहाँ पर रूल करने के लिए। तो मोंटेस्क्यू ने क्या किया, मोंटेस्क्यू ने इस थ्योरी को अपोज किया। उन्होंने सीधे सीधे लोगों को कहना शुरू किया कि राजा कोई डिवाइन पावर कैसे हो सकती है, हमारे जैसा दिखने वाला, हमारे जैसे खाने पीने वाला एक पर्सन कोई किसी पर रूल कैसे कर सकता है सिर्फ इस बेसिस पे कि उसके पास डिवाइन पावर है। तो उन्होंने इस बात का अपोज किया। इसके अलावा एक उन्होंने बुक लिखी, एंड दैट इज नोन एज द स्पिरिट ऑफ लॉज। इस बुक में उन्होंने सीधे सीधे जो बात की वो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की, कि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने फ्रेंच सोसाइटी को एक ऐसे एटमॉस्फेयर में ला दिया ताकि वो राजा की इस पॉलिसी के अगेंस्ट जा करके रेवोल्यूशन के लिए अपने को तैयार कर पाए। ये थे मोंटेस्क्यू। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे फिलोसोफर की, और उनका नाम है वोल्टेयर, राइट? और शायद अगर मैं 9th class की बात करूं तो वोल्टेयर का नाम आपको 9th class में बहुत कम बुक में देखने को मिलेगा। तो वोल्टेयर जो थे उनका सीधा सीधा मानना था कि चर्च क्या है, जस्ट लाइक अ बिल्डिंग। इट मीन्स उन्होंने चर्च और उसकी सोसाइटी को दोषपूर्ण बताया, राइट? क्या किया उन्होंने? चर्च और चर्च एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने दोषपूर्ण बताया, और उन्होंने चर्च को क्या कहा? He says that church is an infamous thing. मतलब उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो चर्च है ना वो एक इनफेमस थिंग है। तो इसके सीधे सीधे मीन्स निकाला जा सकता है कि वो चर्च के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ थे, राइट? इसके अलावा उन्होंने अपने प्रोस के थ्रू, अपनी
पोएट्री के थ्रू, सटायर के थ्रू, ड्रामा के थ्रू और रोमांस के थ्रू इस चर्च के सिस्टम को एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों को इस बात के लिए तैयार कर दिया, या लोगों को ये बताने, ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि कहीं ना कहीं जो चर्च और चर्च सिस्टम है वो इनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की, और जिनका नाम है रूसो। राइट, रूसो की अगर बात करते हैं तो 1712 टू 1778। ओके, रूसो ने एक बुक लिखी जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने लिखा क्या, उन्होंने सीधे सीधे इस बात पर जोर दिया कि जो किंग है वो रियल मास्टर नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने फ्रांस के लोगों को एगिटेट, इसका मतलब जिसे कहते हैं मास मूवमेंट, कहते हैं कि बहुत सारे लोग निकल करके राजा के खिलाफ हो जाएं, तो मास एगिटेशन के लिए लोगों को तैयार किया। और सबसे बड़ी चीज, उन्होंने एक सेंटेंस कहा, या कह सकते हो कि उन्होंने एक बहुत फेमस लाइन कही जिसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। मैन इज बॉर्न फ्री बट इज एवरीवेयर इन चेंज, एवरीवेयर इन चेंज। कहते हैं ना कि जो मैन है, आदमी है, वो अकेला आता है लेकिन वो सब जगह बंधा होता है। इसका मतलब उन्होंने यही निकाला ना कि सोसाइटी में लोग क्या हैं, किसी न किसी के किसी न किसी के अधीन है, किसी न किसी से जुड़े हुए हैं। राइट, तो रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, अपने बुक के थ्रू लोगों को मास एग्रीटेशन के लिए तैयार किया। तो ये कुछ ऐसे फिलोसोफर थे जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। इसके अलावा अगर और मैं बात करता हूँ तो कुछ और भी फिलोसोफर हैं जिनका नाम अगर नहीं लिया जाएगा तो निश्चित तौर पर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन में इनके योगदान को बिल्कुल भुला नहीं सकते, और उनमें से सबसे पहला नाम आता है जॉन लॉक का। इसके अलावा कुछ और भी फिलोसोफर थे जिसमें से एक आता है डेट्रॉइट, स्पेलिंग में लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा डी एलम्बर्ट, ये कुछ ऐसे फिलोसोफर हैं जिनका रोल बहुत स्पेसिफिक रहा है, और शायद हो सकता है कि बहुत रेयर बुक्स में इन नाम को आपको देखने को मिले। आप इन नामों को याद कर सकते हैं, डिटेल्स के लिए अगर आप चाहें तो आप मुझे जरूर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। बट हम अभी जो बात कर रहे थे फिलोसोफर्स की, तो इन फिलोसोफर में मोंटेस्क्यू की बात की हमने, वोल्टेयर की बात की हमने, रूसो की बात की हमने, जॉन लॉक की बात की। जॉन लॉक ने भी वही जो डिवाइन पावर की जो बात करते हैं उसका भी बहुत तेजी से विरोध किया। डेट्रॉइट एलम्बर्ट जो थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि आपको अपने फ्रीडम के लिए, अपने राइट्स के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये एक इंटेलेक्चुअल कॉज था जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो स्टूडेंट, आज हमने दो और कॉजेज की बात, हमने पहले पॉलिटिकल कॉजेज की बात की, इसके बाद हमने इंटेलेक्चुअल कॉज या जिसे कहते हैं बौद्धिक कारण जो थे उनकी बात की। और इन दोनों कॉजेज के बाद हमारा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के पूरे टोटल कॉज होते हैं, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दूं आपको, कि सबसे पहले हमने सोशल कॉजेज की बात की जिसमें सोसाइटी का डिवीजन था, इसके बाद हमने इकोनॉमिकल कॉजेज की बात की जिसमें कहीं ना कहीं जो पैसे की कमी थी फ्रांस में उसकी बात की हमने, फिर उसके बाद हमने पॉलिटिकल कॉजेज की बात की जिसमें हमने बहुत सारे खर्चे, राजा रानी का कैरेक्टर, इसके अलावा करप्शन, इनकी बात की। इसके अलावा जो लास्ट हमने पॉइंट पढ़ा वो था आपका इंटेलेक्चुअल कॉज, इसका मतलब रोल ऑफ फिलोसोफर, राइट, इनकी बात की हमने। तो अब आप इन सारे कॉजेज को मिला करके एक माइंड सेट में कट, अब आप इन सारे रीजंस को अगर सीरीज से सोचें तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रांस की जो रेवोल्यूशन है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन है, वो इन सब कारणों की वजह से हुई। अगर शायद ये कारण नहीं होते तो शायद फ्रेंच रेवोल्यूशन भी नहीं होती। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और बहुत सारी रोचक जानकारियां आपको मिली होंगी फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेस के बारे में। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।